हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पे या फिर ट्रेंडिंग नागपुरी फोटो एडिटिंग कुछ स्टेप से हमारी फोटो एडिट होने वाली है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल चल रही है गाइस। सो अगर आपको यहाँ पे जानना है कि इसको कैसे करना है, तो आप यहाँ पे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वन क्लिक पर फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है, यहाँ पे अपनी गैलरी में आ जाना होगा। यहाँ पे आपको एक शेयर वाला एक आइकन दिखाई दे जाएगी, यूं करके एक पेज पे टच कर लेना। अब लाइट रूम ऐप में इसको शेयर कर लेना। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, हमारी फोटो जैसी लाइट रूम ऐप में आ जाएगी, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा आप एडिट्स वाला, यूं करके एक पेज पे टच कर लेना। टच करने के बाद गाइस अभी आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते कलर्स वाला एक टूल्स दिखाई दे जाएगा नीचे साइड, यूं करके एक पेज पे टच कर देना। देन आपको अभी क्या करना होगा, देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पे मिक्स टूल्स पे चले जाएंगे। मिक्स टूल पे यहाँ पे आपके सामने ढेर सारे कलर्स निकल के चले आएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे टोनिक क्रिएट करना बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मिक्स टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे येलो कलर पे चले आएंगे। इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को आपको यहाँ पे माइनस कर देना है एकदम से। देन यहाँ पे ग्रीन कलर पे चले आएंगे, इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी माइनस कर देना है। देन आपको गाइस यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली इसको यहाँ से पहले डन कर लेना होगा। अभी आपको गाइस करना क्या होगा, यहाँ पे इसका जो टिंट है, टिंट के अमाउंट को आपको यहाँ पे माइनस कर लेना होगा, यहाँ पे -25 के अराउंड कर लेना होगा। देन गाइस आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे इसको कर लेना होगा यहाँ से डन। अभी गाइस आपको करना क्या होगा, नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे मास्किंग वाला, यू यहाँ पे आप लोग दिख जाएगा, यहाँ पे यू करके एक बार इस पर टच कर लेना। देन आपको गाइस यहाँ पे प्लस वाला एक आइकन दिखाई दे जाएगा, यू करके आप लोग इस पर भी टच कर लेना। देन गाइस अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कलर रेंज का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आप लोग सिंपली उस ऑप्शन पे यहाँ पे टच कर लेना। जैसे ही गाइस ये ओपन हो जाता है, अब आपके सामने यहाँ पे बड़ा सा सर्कल निकल के चला आएगा। इस सर्कल को गाइस आपको करना क्या होगा, अपने बैकग्राउंड में लेके जाना है। याद है आपकी फोटो पे नहीं है लेके जाना, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे लेके जाना है, जिसको भी आप एक कलर आप करना चाहते हैं। लाइक हम इसको कलर करना चाहते हैं, लाइक इतने पार्ट को कलर करना चाहते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं इसको। अभी गाइस आपको करना क्या होगा, रिफाइन के अमाउंट को आपको यहाँ पे +20 कर लेना होगा गाइस। जैसे गाइस इतना हो जाएगा, अभी आपको करना क्या होगा, इसको अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना होगा। अभी गाइस आपको करना क्या होगा, नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे कलर्स वाला, यूं करके एक बार इस पर टच कर लेना। अभी गाइस आपको करना क्या होगा, इसकी जो देख सकते हैं टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अमाउंट को आपको कर लेना होगा यहाँ पे +100, एंड इसका जो गाइस टिंट है, टिंट के अमाउंट को आपको यहाँ पे -100 कर लेना होगा। अभी गाइस आपको करना क्या होगा, सो गाइस यहाँ पे ह्यू वाले पे आ जाना होगा। इसको आप लोग जो भी कलर आपको पसंद होगा वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको बैकग्राउंड में जो भी कलर पसंद आएगा आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। इसको देख सकते हैं जितना हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उतने कलर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी कलर्स आपको मिल जाएंगे। लाइक हमने यहाँ पे ये वाला कलर रखा है गाइस, इसी कलर को रखने के बाद अभी आपको देख सकते हैं ये वाला कलर रखने के बाद अभी आपको करना क्या होगा गाइज, सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ पे कलर्स पे जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना होगा। देन आपको यहाँ पे सिर्फ गाइज यहाँ पे इसको कर लेना होगा यहाँ से डन।